अकेले ही इतनी मेहनत करते रहते हो, क्यों ना मैं भी ऐसा कोई काम कर लूं जिससे थोड़ी घर में मदद हो जाएगी। सुजाता, तुम ऐसा क्या काम करोगी? तुम तो जानते ही हो कि मुझे खेती करना आता है। हमारे घर के आंगन में थोड़ी जगह है। मैं सोच रही थी अगर मैं यहाँ ताजी भाजी उगा लूं तो बेचकर थोड़े पैसे आ जाएंगे। ठीक है सुजाता, अगर तुम्हारा मन है तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। तुम सब्जियां बेच लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। सुजाता बहू, अगर तुमने ऐसा सोचा है तो मैं भी तुम्हारी इस काम में मदद करूंगी। ठीक है माँ जी, तो फिर हम कल ही बाजार से बीज खरीद कर लाएंगे। मैं सोच रही थी माँ जी, हम अलग अलग तरह की सब्जी उगाएंगे। मेथी, पालक और साग का अभी मौसम आ रहा है, उसके साथ साथ बहुत सारी बढ़िया बढ़िया सब्जी उगा लेंगे। ठीक है बहू, तुम्हारा इतना साहस देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। अगले दिन सुजाता अपनी सास के साथ सब्जियों को उगाने के लिए बीज खरीद कर ले आती है और खूब मेहनत से सुजाता और सरोज दोनों मिलकर आंगन में तरह तरह की सब्जियों के बीज बो देती हैं। तभी पड़ोसन जानकी आ जाती है। अरे वाह, क्या बात है, आज तो दोनों सास बहू आंगन की सफाई कर रही हैं। अरे ये क्या, तुमने तो अपने घर के आंगन को पूरा खेत ही बना डाला। सब्जियाँ उगा रही हो, भाजी की दुकान खोलने का इरादा है क्या? लो, घर बसा नहीं लुटेरे पहले आ गए। तुझे क्या खुशबू आ जाती है कि हम कोई काम कर रहे हैं? जानकी दीदी, हम लोग सब्जियाँ उगा रहे हैं। तुम तो जानती ही हो अकेले के कमाने से गुजारा नहीं होता, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने इस आंगन में सब्जियाँ उगा कर बेच दूं, थोड़े पैसे आ जाएंगे। बस वही माँ जी और मैं बीज बो रहे थे। अच्छा, तो ये बात है, चलो ठीक है, तुम दोनों काम करो, मैं चलती हूँ। अरे बहू, तू इसे नहीं जानती है, ये जानकी बहुत चालाक है। इसका पति तो अच्छी खासी दुकान पर नौकरी करता है। बेचारा बहुत शरीफ है, पर इसकी तो वही गंदी आदत है, जो काम किसी को करता देख ले वो बिल्कुल वैसे करने लगती है। अब तुम देखना, हमने ये सब्जियां उगाई है ना, ये भी अपने आंगन में उगाएगी। कोई बात नहीं माँ जी, अब कर ही क्या सकते हैं, उगानी होंगी तो उगा लेगी, हम किसी को रोक तो नहीं सकते ना। पड़ोस में रहने वाली जानकी बहुत ही चालाक औरत थी। उसने भी अगले दिन अपने आंगन में सब्जियों के लिए बीज बो दिए। पर कहते हैं ना, जब तक कोई कार्य पूरी मेहनत से ना किया जाए उस कार्य का फल प्राप्त नहीं होता, और यही हुआ। जानकी ने देखा देखी काम तो शुरू कर लिया, पर वो सुजाता की तरह मेहनत से सब्जियां नहीं उगा पाई। माँ जी देखो, हमारे आंगन में कितनी बढ़िया मेथी, पालक, सरसों की खेती हुई है। हाँ बहू, ये तो बहुत ही हरी हरी साग सब्जियाँ उगाई हैं। माँ जी, मैं आज से ही सब्जियाँ बेचना शुरू कर देती हूँ। बहू कहे तो मैं बेचाऊँ? नहीं माँ जी, आप इस उम्र में इतना काम थोड़ी करोगे। मेरे होते हुए आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। मैं टोकरे में सब्जियाँ भर लेती हूँ। सुजाता टोकरी में साग सब्जी भर लेती है और गली गली घूम कर वो सब्जी बेचने लगती है। सब्जी ले लो, सब्जी, बढ़िया बढ़िया सब्जी, ताजी हरी सब्जी, पालक, मेथी, सरसों, बढ़िया साग सब्जी ले लो। आधा किलो मेथी, एक किलो पालक और एक किलो सरसों कर दो। अभी कर देती हूँ बहन जी। अरे ये तो सुजाता दिखाई दे रही है, ये तो बहुत ही बढ़िया सब्जी बेच रही है। मेरे तो सारे बीज खराब हो गए, एक पत्ता मेथी का नहीं होगा, और ये तो ढेरों साग बेच रही है। इसका तो कुछ करना होगा, नहीं तो ये कुछ ही दिनों में मेरे से ज्यादा अमीर हो जाएगी। जानकी के मन में ईर्ष्या की भावना आ गई। वो सुजाता को सब्जी बेचता देख नफरत से भर गई और एक दिन उसने चोरी छुपे सुजाता के बगीचे में जहरीली दवाई छिड़क दी। सुजाता ने देखा इस बार उसकी सारी सब्जियां खराब हो गई, पालक और मेथी में कीड़ा लग गया। माँ जी ये कैसे हो सकता है, हमारी तो पालक मेथी बहुत अच्छी उगती है, पर इस बार तो इसमें कीड़ा लग गया है। देखो माँ जी, सारा साग खराब हो गया, अब हम क्या बेचेंगे? कोई बात नहीं बहू, एक बार दोबारा बीज फैला दो, कुछ दिनों में दोबारा सब्जियाँ उगाएंगी, तब तक तुम जो ये सब्जियाँ हैं इन्हें बेच लो। हाँ वही करती हूँ, कुछ दिनों का तो इंतजार करना ही होगा। बड़ी मुश्किल से सुजाता ने थोड़े बहुत पैसे जोड़ने शुरू किए थे, तो यहाँ पर जानकी ने अपना रूप दिखा दिया। सुजाता ने थोड़ी बहुत बची हुई सब्जियां बेच दी। अब जो पैसे जुड़े हुए थे वो रोज खर्च होने लगे, क्योंकि फिर से सब्जियां उगाने में कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ रहा था। क्या हुआ सुजाता, तुम्हारा मन ठीक नहीं है?
कुछ नहीं, सोचा था इस बार अच्छी साग सब्जी होगी है तो वो बेचकर पैसे अच्छे इकट्ठे हो जाएंगे, तो थोड़ा घर भी पक्का करवा लूंगी। तीज त्योहार भी आ रहे हैं पर सारी साग सब्जी खराब हो गई थी, जिसे पैदा होने में इस महीने समय लग जाएगा। कोई बात नहीं सुजाता, तब तक तो मुझे भी पैसे मिल जाएंगे। मैं देख रहा हूँ तुम बहुत मेहनत कर रही हो, पर तुम्हारी सब्जियाँ खराब कैसे हो गई भाई? तुमने तो बहुत बढ़िया बीज जमीन में बोए थे। हो सकता है वैसे ही कीड़ा लग गया हो, अब दोबारा मैंने बीज बोए हैं। थोड़ी मेथी पालक सरसों उगनी शुरू तो हुई है, कुछ दिन और लग जाएंगे, तब तक मुझे इंतजार करना ही होगा। अभी तो सब्जियां भी खत्म हो गई हैं, तो मैं वो भी नहीं। तुम्हारी सब्जियां खराब कैसे हो गई भाई? तुमने तो बहुत बढ़िया बीज जमीन में बोए थे। हो सकता है वैसे ही कीड़ा लग गया हो, अब दोबारा मैंने बीज बोए हैं। थोड़ी मेथी पालक सरसों उगनी शुरू तो हुई है, कुछ दिन और लग जाएंगे, तब तक मुझे इंतजार करना ही होगा। अभी तो सब्जियां भी खत्म हो गई हैं, तो मैं वो भी नहीं बेचने जा सकती। बड़ी मुश्किल से गरीब सुजाता ने सब्जियां बेचने का काम शुरू किया और बीच में जानकी ने अड़ंगा डाल दिया। जानकी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। क्या बात है जानकी, आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। अरे बात ही कुछ ऐसी है, तुम्हें पता है। जानकी अपने पति मनोज को सारी बात बताती है। जानकी की बात सुनकर मनोज उस समय चुप हो जाता है, पर उसे अपनी पत्नी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगता। वो शाम के समय सुजाता के घर पहुंचता है। माता जी, सुजाता बहन, जानकी की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि जानकी सीधे रास्ते पर आ जाए, वो नफरत की राह पर चल रही है। नहीं बेटा मनोज, मैं तो खुद तुम्हारी बहुत तारीफ करती हूँ। मेरे लिए तो जैसा मेरा नरेश वैसे तुम हो, बस थोड़ा दुख मुझे भी हुआ है। सुजाता बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत सब्जियों का काम शुरू कर रही थी और बीच में। कोई बात नहीं भैया, मैंने फिर से सब्जियां बो दी हैं। हाँ थोड़ा नुकसान तो हुआ पर कोई बात नहीं, जानकी दीदी को जो अच्छा लगा उन्होंने वही किया। पर भाभी, मैं जानकी को सीधे रास्ते पर लाना चाहता हूँ जिसमें आप मेरी मदद कर सकते हो। कैसी मदद भैया? मनोज चाहता था कि जानकी सीधे रास्ते पर आ जाए, इसलिए वो एक उपाय सोचता है। कुछ दिनों बाद जानकी देखती है कि सुजाता के बगीचे में फिर से सब्जियां उगाई हैं। अब वो एक बार फिर से उन सब्जियों को खराब करना चाहती थी। सुजाता और सरोज जानती थी कि जानकी उनकी बातों को सुन रही है। सुजाता बहू, जानकी हमारी बातों को सुन रही है, यही मौका है। जी माँ जी, फिर शुरू हो जाते हैं। बहू तुम्हें पता है साग कितना महंगा बिक रहा है, बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी हमारी इस बार साग से। पर माँ जी, रूपा की सगाई में जाना तो बहुत जरूरी है, वहाँ से आने में शाम हो जाएगी। एक काम करते हैं ना, ये साग हम कल काट लेंगे। हमारे घर कौन सा कोई चोर उचक्के आ रहे हैं जो ये साग लेकर जाएंगे? क्यों, सही कह रही हो ना? हाँ और क्या माँ, मैंने भी छुट्टी ले ली है, जल्दी से तैयार हो जाते हैं, फिर रूपा की सगाई में भी तो जाना है। जाओ जाओ, रूपा की सगाई में जाओ, पीछे से साग का एक पत्ता भी नहीं छोड़ूंगी। सारा का सारा साग तोड़कर मैं बाजार में बेच आऊंगी। मेरे तो पैसे बन जाएंगे। सब जानते थे कि ऐसा ही होने वाला है। वो लोग रूपा की सगाई के बहाने घूमने के लिए चले गए। कुछ घंटे बाद जब वो लोग लौटे तो उनका सारा बगीचा खाली था। जानकी सारा साग तोड़कर बेचकर आ चुकी थी। अब सुजाता जानकी के पास गई। जानकी दीदी, क्या तुम्हें पता है हमारे बगीचे में से साग चोरी हो गया? सारा का सारा साग तोड़कर ना जाने कौन चोर बेचाया, पर अब वो चोर बचकर नहीं जा पाएगा, उसे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। सुजाता के मुंह से पुलिस का नाम सुनकर जानकी घबरा गई। लेकिन लेकिन पुलिस को कैसे पता चलेगा कि चोर कौन है? अरे हमने अपने बगीचे में एक वीडियो कैमरा लगा रखा है जिसमें सारे फोटो और वीडियो से चोर की तस्वीर आ जाएगी। हमारी सब्जियां पहले भी चोरी हो चुकी हैं, इसलिए नरेश ये कैमरा लेकर आए थे ताकि अब की बार कोई सब्जियां चुराए तो उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। बस अब उस चोर की रिकॉर्डिंग हम पुलिस को दिखाने वाले हैं। वो चोर सामने आ जाएगा और उसे सख्त से सख्त सजा हो जाएगी। कैमरा? पर कैमरा कहाँ छुपा हुआ था, मैंने तो नहीं देखा। क्या कहा जानकी दीदी आपने? मैंने शायद सही सुना। सुजाता की बात सुनकर जानकी रोने लगती है और सुजाता से माफी मांगती है। तब तक सुजाता की सास सरोज, मनोज और नरेश वहाँ पहुँच चुके थे। मुझे माफ कर दो, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे पुलिस को मत दो। तुम्हारी सारी सब्जियाँ मैंने ही चुराई है और उस दिन दवाई, मतलब तुम्हारी पहले जो सब्जी और साग खराब हुआ था उस पर मैंने ही दवाई छिड़की थी ताकि तुम पैसे कमाकर अमीर ना बन जाओ। सुनो जी, इनको बोलो ना मुझे पुलिस में ना पकड़वाए। मैं कुछ नहीं कर सकता जानकी, गलती तुम्हारी है, तुमने गलती की है, अब उसकी सजा देना ना देना वो उनके हाथ में है,
क्योंकि तुम्हारी गलती से इनका नुकसान हुआ है। मुझे माफ कर दो सुजाता। माता जी, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। ठीक है, जाओ माफ किया, लेकिन खबरदार अगर आज के बाद सब्जियों को खराब किया। डरो नहीं जानकी दीदी, हम सब तुम्हें सिर्फ डरा रहे थे, तुम्हें कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी। तुमने अपनी गलती की माफी मांग ली, बस हमारे लिए यही बहुत है। जानकी को सबक मिल जाता है और वो सीधे रास्ते पर आ जाती है। सुजाता फिर से सब्जियां बेचने लगी। अब उसे भरोसा था कि उसे जानकी से कोई खतरा नहीं है। मनोज ने भी इंसानियत का फर्ज निभाया और उसने उस गरीब परिवार का नुकसान बार बार होने से बचा लिया। सीता और गीता नाम की दो जुड़वा अनाथ बहनें, बेचारी अनाथ बच्चियों की चाची चंचला बहुत ही बुरी थी। वो उन दोनों को बिल्कुल नौकरानियों की तरह ही रखती थी। कहाँ रह गई दोनों, कितनी देर की बाजार से सामान लेने गई हुई हो, अब आ रही हो? चाची, रास्ते में तेज बारिश हो गई थी इसलिए देर हो गई। ये चीनी गीली कैसे हुई, जरूर बारिश में थैली भिगोई होगी। चाची, राशन वाले भैया ने जो चीनी की थैली दी थी ना, वो फटी हुई थी, हमें पता नहीं चला, तभी चीनी में पानी चला गया। हमें माफ कर दो चाची। आज तुम दोनों की खैर नहीं, तुमने इतना नुकसान कर दिया। तुम्हारे माँ बाप हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए तुम्हें दुनिया में छोड़ गए, खुद तो ऊपर चले गए और हमारे लिए मुसीबत छोड़ गए। चंचला, तुम्हें शर्म नहीं आती बेचारी बच्चियों के साथ इतना बुरा व्यवहार करती हो? थोड़ा भगवान से तो डरो। अब तुम क्या चाहते हो, मैं मायके चली जाऊं? एक बार चली गई ना तो लौट कर नहीं आऊंगी, फिर ढूंढते रहना दूसरी। चंचला सीता गीता पर हमेशा ही हाथ उठाती रहती थी, जिस कारण वे दोनों बच्चियां रात के अंधेरे में सुबक सुबक कर रोती थी। एक रात दोनों ने घर छोड़ने का विचार किया। गीता, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, चाची बहुत मारती है। हाँ हाँ सीता, तू ठीक कह रही है, हम कहीं दूर चले जाएंगे। सीता और गीता रात के अंधेरे में घर से निकल गई और चलते चलते एक पेड़ के पास रुक गई और उसी पेड़ के चबूतरे पर सो गई। अगली सुबह उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा सड़क पर लोग गुजर रहे हैं, बहुत से ठेले वाले वहाँ पर खड़े हैं। सीता, बहुत भूख लगी है, चल हम कुछ खाते हैं। पर गीता, हमारे पास पैसे नहीं है, बिना पैसों के हमें कोई भी खाने को कुछ नहीं देगा, एक बार पूछते हैं ना, शायद कोई दे दे। ठीक है, चलो। भैया, आपके ठेले से कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। तुम दोनों के पास पैसे हैं? अरे देखो देखो, दोनों बहनें एक शक्ल की हैं, लगता है जुड़वा है। हाँ बिल्कुल, और लगता है दोनों अनाथ हैं। भैया, पैसे तो हमारे पास नहीं है। तो मुफ्त में तुम्हें क्या मिलेगा, पैसे लाओ तभी कुछ खाने को मिलेगा। ठेले वाला अभी दोनों को डांट ही रहा था कि तभी एक व्यक्ति वहाँ आता है। बीमा, इन बच्चियों को एक एक पराठा बना कर दे, मैं पैसे दे दूंगा। शुक्रिया अंकल। तुम दोनों कौन हो बेटा? अंकल, मेरा नाम सीता है और ये मेरी छोटी बहन गीता। हमारी चाची हमें बहुत मारती थी इसलिए हमने घर छोड़ दिया। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं बच्चों? हमारे माँ बापू नहीं है अंकल, हम बचपन से ही अपने चाचा चाची के साथ रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बात है। अच्छा भीमा, तेरे पास अभी नूडल्स के कितने पैकेट बचे हैं? 20 पैकेट और दे जाओ। बच्चों आओ, तुम मेरे साथ ऑटो रिक्शा में बैठ जाओ, ऐसे अकेले घूमना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है बेटा। सीता और गीता उस व्यक्ति के साथ ऑटो में बैठ जाती है। उस व्यक्ति का नाम राजेश था। वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर पर नूडल्स बनाने का काम करता था और नूडल्स के पैकेट बाजार में ठेले और रेस्टोरेंट वालों को सप्लाई करता था। सीता और गीता राजेश के साथ बातें कर रही थी, तभी राजेश के सीने में दर्द उठने लगा। क्या हुआ अंकल, आप ठीक तो हो? लगता है इनके दिल में दर्द उठा है, हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो चलो अंकल, जल्दी से इन अंकल को हॉस्पिटल ले चलो। सीता गीता ऑटो वाले के साथ राजेश को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। ऑटो वाला राजेश को जानता था, वो राजेश की पत्नी को फोन करता है, वो भी तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है। कुछ घंटों के बाद राजेश को होश आता है। राजेश को डॉक्टर हार्ट में दिक्कत बताते हैं। राजेश सीता और गीता को पत्नी से मिलवाता है। अब कैसा लग रहा है जी? मैं ठीक हूँ संध्या, चिंता मत करो, ये सब तो जीवन में चलता ही रहता है। बाकी इन बच्चियों से मिलो, ये सीता गीता है, इधर आओ बेटा। ये दोनों बच्चियाँ तो देखने में बिल्कुल एक सी शक्ल की हैं। तुम दोनों जुड़वा हो?
जी आंटी, मेरा नाम सीता है और ये गीता। अगले दिन डॉक्टर राजेश को छुट्टी दे देते हैं, पर पूरा आराम करने के लिए कहते हैं। राजेश को अपने काम की चिंता थी, वो परेशान था कि काम कैसे होगा। संध्या, माल बनाना, ले जाना, सब दुकानों पर डिलीवरी करना, ये सारे काम कैसे होंगे? सुनो, आपकी तबीयत पहले जरूरी है, पहले ठीक हो जाओ, तब तक हम जैसे तैसे गुजारा कर ही लेंगे। अंकल, आप चिंता मत करो, हम आंटी के साथ हैं, हम आपके काम को रुकने नहीं देंगे। सीता बिल्कुल ठीक कह रही है, अंकल आप आराम करो, हम आंटी के साथ आपके नूडल्स के ऑर्डर को पूरा करेंगे। और हम आंटी के साथ हैं, हम आपके काम को रुकने नहीं देंगे। सीता बिल्कुल ठीक कह रही है, अंकल आप आराम करो, हम आंटी के साथ आपके नूडल्स के ऑर्डर को पूरा करेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ, संध्या नूडल्स बनाती और संध्या सीता और गीता के साथ दुकानों और ठेलों पर नूडल्स के ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जाने लगी। एक दिन सीता संध्या से बोली, आंटी जब हम नूडल्स के पैकेट तैयार कर सकते हैं तो क्यों ना हम अपना ही नूडल्स का एक स्टॉल खोलें, इससे कमाई ज्यादा होगी और हमारे खुद के बनाए हुए तरह तरह के नूडल्स बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं हम। ये आइडिया तो हमारे दिमाग में कभी आया ही नहीं, कह तो तुम ठीक रही हो। राजेश, मैं सोच रही हूँ सीता और गीता ठीक कह रही हैं। हम खुद के नूडल्स का स्टॉल खोलते हैं ना, शायद हमारी कमाई अच्छी हो जाए। ठीक है संध्या, पर बहुत मेहनत लगेगी, तुम्हें सुबह उठकर सारी तैयारी करनी पड़ेगी, स्टॉल पर सारा दिन खड़े होकर नूडल्स बेचने होंगे, क्या तुम ये कर पाओगी? मुझे बस आपका साथ चाहिए, और फिर मेरे साथ सीता और गीता जैसी इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां भी तो हैं। और फिर संध्या ने सीता और गीता के साथ मिलकर अपने ही बनाए नूडल्स को तैयार करके बेचने के लिए एक स्टॉल किराए पर ले लिया। सीता और गीता जुड़वा बहनें थीं। लोग जब उन दोनों को स्टॉल पर संध्या के साथ नूडल्स बनाते देखते तो आश्चर्यचकित होते, और वो स्पेशली उनके स्टॉल पर नूडल्स खाने जरूर आते। धीरे धीरे ग्राहक उनके स्टॉल पर बढ़ने लगे और संध्या के नूडल्स स्टॉल की अच्छी कमाई होने लगी। संध्या, सीता और गीता दोनों बच्चियां मेरे लिए बहुत भाग्यशाली बनकर आई हैं। सचमुच तुम दोनों बच्चियां मेरे लिए बहुत लकी हो। राजेश की तबीयत में सुधार आ जाता है, अब वो नूडल्स के पैकेट की सप्लाई के साथ साथ अपने स्टॉल पर भी नूडल्स बनाने में संध्या और सीता गीता की मदद करने लगा और वो सफलता को छूने लगा। एक दिन सीता गीता के चाचा ने उन्हें नूडल्स स्टॉल पर देख लिया। सीता, गीता, मैंने तुम दोनों को बहुत ढूंढा, मेरी बच्चियों तुम घर छोड़कर क्यों चली गईं? चाचा, हम चाची से मिले और दुख नहीं झेल सकती थी, इसलिए हमने घर छोड़ दिया। और चाचा, अब तो हमें माता पिता के रूप में अंकल आंटी भी मिल गए हैं, अब हम इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, अब यही हमारे लिए सब कुछ है। सीता गीता की ये बात सुनकर राजेश और संध्या उन्हें गले लगा लेते हैं। आखिर उन अनाथ बच्चियों को माता पिता के रूप में राजेश और संध्या जो मिल गए थे, और फिर बच्चियों को आशीर्वाद देकर उनका चाचा आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहां से चला जाता है।